कहते हैं दोस्तों कि कभी सुकून भरा एक दरख्त सा था, कभी सुकून भरा एक दरख्त सा था, मेरा देहरादून कुछ अलग सा था। आप देख सकते हैं ये खूबसूरती, ये नज़ारे देहरादून का। कहा जाता है कि जो ग्रीनरी है वो हमारे भारत देश का लंग है, क्योंकि जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड और जितने भी हार्मफुल गैसेज हैं उन सब का एब्जॉर्बेशन यहीं पे किया जाता है। और इसका क्लासिकल एग्जांपल आपको देहरादून में देखने को मिल सकता है। एक मान्यता है कि गुरु द्रोणाचार्य अपनी कठोर तपस्या में यहाँ पे बैठे थे और उस तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उनको एक वरदान दिया था और उस वरदान में उन्होंने ये कहा था कि इस शहर में कभी गर्मी नहीं होगी। और इसी का आप रूप देख सकते हैं कि बहुत सारे झरने आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये एक अद्वितीय नज़ारा, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाए हर जगह से। और थैंक यू सो मच कि आपने इतने ये एक ढंग की चीज़ कवर कर रहे हैं आप, बहुत बहुत खूबसूरत नज़ारा आप कवर कर रहे हैं। एक शेर से मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और ये शेर देहरादून में जितने लोग हैं उनको समर्पित है, देहरादून की खूबसूरती को समर्पित है कि सब कुछ मांग लिया है तुमसे खुदा से मांगने के बाद, सब कुछ मांग लिया है तुमसे खुदा को मांगने के बाद, उठते नहीं है हाथ मेरे अब इस दुआ के बाद। थैंक यू सो मच।